पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र स्थान जिसमें जीवन संभव है, एक ऐसा ग्रह जिसमें रहने वाले हर एक जीव जंतु किसी न किसी पर निर्भर है, एक ऐसा ग्रह जो कि सारे ग्रहों में अनोखा है, एक ऐसा ग्रह जहां हर एक रात के बाद फिर एक नई सुबह होती है, एक ऐसा ग्रह जहां लोग जीने के लिए अपनी मेहनत का पसीना बहाते हैं, एक ऐसा ग्रह जो कि ना केवल जीने के लिए पर मरने के लिए भी मजबूर कर देता है। I found that with depression, one of the most important things you could realize is that you are not alone. ये कहाँ ले आए आप मुझे? अरे आपको मरना ही है ना, किसी बेटर प्लेस पे मरते हैं। अरे दीदी वहाँ क्या देख रहे हो, चलो। ये रहा मरने का सबसे अच्छा स्पॉट। कैसा है?
ये कहाँ ले आए आप मुझे? देखो कितना अच्छा है सब कुछ यहाँ, सी खुला आसमान, ये मरने के लिए परफेक्ट है। तुम पागल हो क्या? अरे दीदी आपको मरना ही है ना, लेकिन आपको मरना क्यों, मुझे वजह जाननी है। मेरे सास, मेरा पति, सब मुझे परेशान करते हैं जिंदगी में। अब तुम क्या चाहती हो कि इंसान इस माहौल में जिए? मुझे नहीं पता कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम, इस दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम उस इंसान से बड़ी नहीं हो सकती, कि हर प्रॉब्लम के साथ उसका सॉल्यूशन भी होता है। और आज आपकी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो ये है कि आपको यहाँ पे अपने डिप्रेशन को मारना है, आपको नहीं मरना है। जिसके ऊपर गुजरती है ना वो ही समझता है इन सारे दर्द को, तुम क्या समझोगी? आपको पता मैं आपको यहाँ क्यों लाई हूँ? क्योंकि यहाँ की हर एक चीज हमें जीने की एक नई उम्मीद देती है, खुशियाँ देती है। खुशियाँ? जिसकी जिंदगी पूरे दर्द और गम में गुजरी हो उसको तुम खुशियाँ मांगने के मांग रही हो? तुम्हें क्या लगता है खुशियाँ ऐसी आसानी से मिल जाती हैं? मेरी पूरी जिंदगी बचपन से लेके अभी तक सिर्फ दर्द में ही गुजरी हो। मेरा पति जो सिर्फ दिन भर कुछ नहीं करता बट मुझसे उम्मीद करता है कि मैं उसे पैसे दूंगी। मेरी सासू माँ जो मुझे दिन भर चिल्लाती है और मुझे सिर्फ काम करवाती है, और काम करने में किसको खुशी मिलती है? अगर मान भी लो मैं थोड़ी सी खुशी वहाँ से ले रही हूँ मगर तब भी मुझे दर्द होता है। मुझे आस पास कहीं से खुशी नहीं मिलती। इतने गम में इंसान खुशियाँ कहाँ से ढूंढे? मुझे पता है, लेकिन फिर भी आप, जैसा मैंने कहा कि आपको आपकी सिर्फ प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि आपको उसके कारण आपका सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है, लेकिन सॉल्यूशन है। अगर वो लोग आपको खुशी नहीं दे रहे तो आप उनको छोड़कर मूव ऑन कर जाओ, लेकिन मरना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है। आपको पता है कितने लोग जीना चाहते हैं मगर वो किसी कारणों की वजह से मर जाते हैं, और आप अपना मर्डर खुद कर रहे हो। लाइफ इज़ अ वैल्यूएबल थिंग और आप उसको ऐसे ख़त्म नहीं कर सकती। आपको पता है जो रेस में पार्टिसिपेट नहीं करता वो सबसे बड़ा लूजर होता है। आपको लड़ना है, थकना या हारना नहीं है, और आप उसके बाद फिर आपको ये प्राउड होगा कि आप एटलीस्ट सर्वाइव कर गए ऐसी सिचुएशन। मैं जानती हूँ अपनी जिंदगी के साथ बुरा करने जा रही हूँ मगर आपसे सारी बात सुनकर मुझे अच्छा लगा। मैं भी कभी एक समय पर सोचा करती थी मगर मेरी परेशानियाँ इतनी हो गई थी कि मैं इन सारी चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं पाती थी, मगर आपने मुझे सही रास्ते में लेके आया, मैं इसके लिए आपको कैसे धन्यवाद दूँ। मुश्किल है मैं मानती हूँ मगर मैं कोशिश करूँगी, हार नहीं मानूंगी। मुझे कृपया करके बख्श दो। अच्छा
तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है? हाँ यही प्रॉब्लम है मेरी। क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? मे बी कोई सॉल्यूशन निकल जाए। एक्चुअली जो कंडीशन तुम्हारी अभी है ना, एक टाइम पे मैं भी उसी कंडीशन में थी। तुम्हारी कंडीशन? तुम्हें क्या पता मेरी कंडीशन क्या है? हाँ आओ बताती हूँ। तुम्हें पता एक टाइम था जब मेरे साथ भी ऐसी ही प्रॉब्लम थी। तुम्हें क्या पता कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है? ओके फाइन, लेट मी गेस योर प्रॉब्लम। तुम पक्का घर से परेशान हो? मे बी शायद पढ़ाई से परेशान हो, फ्रेंड सपोर्ट नहीं करते एंड दैट मच कॉमन है। तुम ये सब कैसे? हाँ ये मेरा जॉब है। तुम्हें सॉल्यूशन चाहिए ना? एक्चुअली तुम्हारा सॉल्यूशन तुम्हारी प्रॉब्लम के अंदर ही छुपा है, बस तुम्हारा देखने का नजरिया गलत है। एंड यू नो व्हाट, डिप्रेशन किल्स एवरी सिंगल पर्सन इन दिस वर्ल्ड, और सबके पास ना उसे बियर करने की स्ट्रेंथ नहीं होती है। लेकिन तुम्हें पता है इंडियन पेरेंट्स की मेन प्रॉब्लम क्या है? ये लोग मानना ही नहीं चाहते कि इनके बच्चे भी डिप्रेस्ड हो सकते हैं। मे बी वो हमसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो हमें करना ये होता है सिंपली कि हमें उनकी एक्सपेक्टेशंस में अपनी खुशियाँ ढूंढनी होती है। एंड लाइफ इज अ रेस, अगर भागोगे नहीं तो कोई तुमसे आगे निकल जाएगा। डायलॉग तो सुना ही होगा। सो इट्स नॉट द एंड, दीज आर द फेसेस ऑफ लाइफ एंड वी हैव टू फाइट, सो चॉइस इज योर्स। थैंक यू दीदी, अब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितना बड़ा कदम उठाने जा रहा था, लेकिन आपने मुझे इससे बचा लिया। मेंटल हेल्थ को हर मायनों में फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, पर ये दोनों ही हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इंडिया में 42.2% लोग डिप्रेशन से पीड़ित होते हैं। WHO की रिपोर्ट के हिसाब से हर पांचवा व्यक्ति ऑटिज्म, डिप्रेशन और एनजाइटी से पीड़ित होता है। इसके मेजर सिम्टम्स होते हैं अनयूजुअल स्लीप साइकिल, मूड स्विंग्स, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इलॉजिकल थिंकिंग एंड ओवरथिंकिंग। अगर आपको भी लगता है कि आपके अंदर ये सिम्टम्स हैं, तो आपको लोगों के साथ ओपन अप होना पड़ेगा, अपने अंदर की तकलीफ और गिल्ट को लोगों को बताना पड़ेगा। और इसके कुछ रिलीफ्स ये भी हो सकते हैं कि आप प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइजेस, बुक रीडिंग, इन सब चीज़ों से भी अपने मन को डेविएट करें। इस मूवी के दोनों सिनेरियो में भी आपने देखा कि जो लोगों की प्रॉब्लम्स थी वो कोई बड़ी नहीं थी, पर उन लोगों ने उसको ओवरथिंक करके अपने ही माइंड में बहुत बड़ा बना दिया था। आई होप हमारी इस छोटी सी कोशिश से आप समझ गए होंगे कि हम आपको क्या बताना चाहते हैं। अगर आपकी नज़रों में भी कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलता है, तो हमें एक कदम आगे बढ़ के उसकी काउंसलिंग करनी होगी। सो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि सुसाइड इज़ नॉट द आंसर ऑफ एनी। थैंक यू।